नमस्कार दोस्तों, आज इस पोल्ट्री की क्लास की दूसरी श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीमेंटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं और जल्दी जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चे जो है जुड़ जाएं। नमस्कार नमस्कार सभी को। आज हम इस पोल्ट्री की क्लास में, जो कि इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, इसमें हम पोल्ट्री के बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को, पोल्ट्री को कैसे रेयर करना है, उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं और बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक बार बच्चों, थोड़ा सा ऑडियो वीडियो क्लियर है कमेंट्स करके बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है अगर तो जी। नमस्कार हिमांशु सैनी जी, सूरज तिवारी जी, नमस्कार। एक बार ऑडियो वीडियो का अगर क्लियर है तो एक बार बताइए। चलिए ठीक है, हम पोल्ट्री की क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस श्रृंखला की दूसरी क्लास को, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था कि पोल्ट्री एक्चुअली उसका क्लासिफिकेशन क्या है। जूलॉजिकल जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से। एक बार थोड़ा सा पहले से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग जैसे कि हमने बताया था कि केवल सिर्फ हेन की प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट द ग्रोइंग ऑफ फॉल्स, डक्स, हैंस फॉर द एग एंड मीट पर्पज। तो ऐसे पक्षी जिनसे हम क्या कर रहे हैं, अंडे का उत्पादन ले रहे हैं, मीट का उत्पादन ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो हैन नहीं होगी हमारी। लेकिन कमर्शियलाइजेशन सबसे ज्यादा हैन का होने के कारण हम ज्यादातर इस वर्ड का यूज, पोल्ट्री वर्ड का यूज हैन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हैन है उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, गैलस डोमेस्टिकस। किस फैमिली से बिलोंग करती है, फेजिनिडी। और इसके क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 39। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी वो पहले ही हम बता चुके थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ब्रीड्स मैंने कल आपको बताई थी इसी टेबल के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बताई थी कि जो ब्रीड्स हैं वो अलग अलग पार्ट में बटी हुई हैं, जैसे एक अमेरिका है, सियाटिक है, इंग्लिश है और मेडिटेरियन है। तो अलग अलग ब्रीड को हम कैसे समझेंगे, उसके क्लास के आधार पर। जैसे सेंक, उसका सेंक कैसा है, क्लीन है अमेरिका में, इसका फेदर्ड होता है, इंग्लिश का क्लीन होता है, मेडिटेरियन का क्लीन होता है, राइट। सेंक का मतलब क्या होता है, उसके बॉडी का वो पोर्शन जहां पर फेदर है। लेकिन वो सेंक एक्चुअली, जब मैं आपको इसका वो दिखाऊंगा बॉडी पार्ट्स, तब आपको समझ में आएगा। स्किन कलर क्या होगा, येलो, यहां पर भी येलो, इंग्लिश का व्हाइट रहेगा और मेडिटेरियन का येलो और व्हाइट रहेगा। ये ईयर लोब कलर, इसका रेड, अमेरिका का रेड, एशियाटिक का रेड और इंग्लिश का भी रेड, मेडिटेरियन का व्हाइट होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो पर्पज है, ये डुअल पर्पज की ब्रीड रहती है। हमेशा ये चीज याद रखना कि जो भी हमें ब्रीड पढ़नी है उसका पर्पज क्या है। तो पर्पज हमें देखने से पता चलता है कि एक्चुअली उसका डुअल पर्पज है। तो ऐसी ब्रीड पूछी जा सकती है कि डुअल पर्पज ब्रीड कौन सी है, जिसमें से रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे प्लाईमाउथ रॉक को दे दिया, ब्रह्मा को दे दिया, कोचिन को दे दिया, व्हाइट लेगहॉर्न को दे दिया। और पूछा गया क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड कम्स अंडर द डुअल पर्पज। तो डुअल पर्पज में ये आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एशियाटिक ब्रीड, ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशेन। तो इन ब्रीड का यूज कैसा है, मीट पर्पज से है, ये सिर्फ मीट पर्पज के लिए ग्रो की जाती हैं। इंग्लिश की जो है ये डुअल पर्पज की है, जैसे कॉर्नेक्स,
ससेक्स और एस्टरटॉप। नेक्स्ट मेडिटेरियन जो है वो हमारी एग टाइप ब्रीड है जिसमें व्हाइट लेगहॉर्न बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो अंडा का उत्पादन देती है वो कौन सी ब्रीड है, वो है व्हाइट लेगहॉर्न। मिनोर्का भी इसके बाद जो है और एनाकोना भी अंडे के लिए फेमस ब्रीड मानी जाती है। ठीक है, तो बाकी आगे हम समझेंगे कि इसके जो पोल्ट्री के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमने पोल्ट्री का क्लासिफिकेशन किया है किसके आधार पर, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। जैसे रोड आइसलैंड रेड जो हमारी वैरायटी है कहां की है, न्यू इंग्लैंड की है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये पर्टिकुलर ब्रीड का नेटिव प्लेस कहां है, तो जब ये पूछा जाए तो आप यहां पर ये वाली टेबल को जरूर याद रखें। जैसे व्हाइट लेग हॉर्न फेमस ब्रीड है, पूछा जाएगा कहां से है, ये इटली से है। रेड कॉर्निश इंग्लैंड से है। प्लाईमाउथ रॉक ये अंडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डुअल पर्पज के लिए प्लाईमाउथ रॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका है, अमेरिका का इसका नेटिव प्लेस है। न्यू हैम्पशायर ये भी अमेरिका से है। मिनोर्का ये इटली से है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इटली से हमारी दो है, कौन कौन सी, व्हाइट लेगहॉर्न एंड मिनोर्क, और दोनों की दोनों किस टाइप की हैं, एग के लिए फेमस है। असील एक ब्रीड होती है जो कि आंध्र प्रदेश यूपी और राजस्थान में पाई जाती है, और असील ब्रीड आप जानते हैं ये फेमस होती है किसके लिए, ये फेमस होती है लड़ाई के लिए। ये लड़ाई आपस में, यानी पहले के जो राजा महाराजा थे वो मनोरंजन के लिए एक दूसरे में लड़ाई कराते थे, वो असील ब्रीड यही है। नेक्स्ट ब्रीड है हमारी कड़कनाथ, बहुत फेमस ब्रीड है। ये कड़कनाथ जो ब्रीड होती है ये कलर वाइज जो है ब्लैक होती है, इसका जो है मीट ब्लैक होता है। ये ब्रीड बहुत ही ससेप्टेबल है, यानी ये डिजीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गली खड़ी रहती है, इसको डिजीज कम लगती है। तो ऐसी ब्रीड को हम बहुत यूजफुल मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग कहाँ का मिला हुआ है, ये मध्य प्रदेश राज्य में एक झबुआ नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां इसको जो है जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसलिए ये ब्रीड जो है फेमस हो जाती है। इसका जो कलर बताया है कि ब्लैक होता है, और अंडे का भी कलर जो है ब्लैक होता है। चलिए, कल मैं आपसे बात कर रहा था होवर की। एक्चुअली ये जो आप इमेज देख रहे हो ये होवर है। होवर क्या काम करता है, ये होवर जो है लाइटनिंग का काम करता है। लाइट तो देता ही देता है, साथ में बच्चों को, कैसे बच्चों को, जो ब्रूडर हाउस में छोटे छोटे चिक्स हैं उनको टेम्परेचर मेंटेन के लिए भी ये काम करता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको टेम्परेचर क्यों दिया जाता है, उनको टेम्परेचर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके अभी फेदर्ड जो फेदर हैं, जो फर हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं। और जब फर डेवलप नहीं हुए हैं तो वो क्या है उनके साथ दिक्कत, कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं जितना उनको मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए हम इस होवर की सहायता से उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउसेस, ब्रूडर्स चिक हाउस, ऐसा हाउस जहां पर हम छोटे छोटे चिक्स को रखते हैं उनको हम ब्रूडर हाउस कहते हैं या चिक हाउस कहते हैं। इट इज यूज टू ब्रूड एंड रेयर एग टाइप चिक्स फ्रॉम 0 to 8 weeks ऑफ एज, 0 से लेके 8 सप्ताह तक की उम्र के बच्चों को ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। और ब्रूडर हाउस में मेनली इसलिए रखा जाता है ताकि हम उनकी केयरिंग कर सकें। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोल्ट्री के केस में कभी भी आप देखना वहां पर ओवर क्राउडिंग नहीं रखेंगे, और स्पेशली कहां पर, ब्रूडर हाउस में, क्योंकि ब्रूडर हाउस में अगर हमने ओवर क्राउडिंग कर दी तो वो दाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, पानी के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे,
और उनकी जो छोटी छोटी चोंच आ जाती है उससे एक दूसरे को घायल भी करते हैं, जिससे कि उनमें ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के साथ साथ क्या होता है कि वो एक दूसरे को रोग के लिए भी मतलब उनमें जो डिजीज आने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड भी नीचे आ गया है, एक दूसरे से टकराएंगे, नीचे जमीन में गिरेंगे, तो ऐसे में रोगों से बचने के लिए हम ओवर क्राउडिंग को नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोवर हाउस। ये ग्रोवर हाउस क्या है? इट इज यूज टू ग्रो एग टाइप बर्ड्स। जो एग टाइप बर्ड्स हैं, यानी जिनसे हमें एग लेना है, लेयर जो है हमारी, उनको जिनको हम 9 से 18 सप्ताह की उम्र तक वहां रखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लेयर हाउस, जो ग्रोवर हाउस है उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी इसमें ग्रोवर हाउस में पहले मुर्गियां थीं, फिर उनको लेयर हाउस में लेके आए क्योंकि वो इतना मैच्योर हो चुकी हैं कि अब वो अंडे देंगी। इन विच बर्ड्स ओवर 18 वीक्स, 18 सप्ताह तक यहां पर रखा था, कहां? ग्रोअर हाउस में, और वापस 18 सप्ताह से लेयर हाउस में लेके आए, वहां पर जो अंडे की लेइंग कर रही हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा ब्रॉयलर। ब्रॉयलर हाउस जो होता है वो ऐसी मुर्गियों का होता है जो सिर्फ हम मीट पर्पज से, क्योंकि ब्रॉयलर का मतलब ही है कि हम उनको किसके लिए पाल रहे हैं, वो सिर्फ मीट के लिए, और मीट के लिए क्या है, अप टू 6 वीक। 6 वीक तक, 6 वीक का मतलब क्या हो गया, 42 डेज, यानी लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 45 से 50 दिन तक का हम इसमें रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। 45 से 50 दिन तक के लिए हम ब्रॉयलर को उसमें रखते हैं, इसके बाद उनको सेल आउट कर देते हैं, फिर हमारे लिए वो अनइकोनॉमिक हो जाती हैं। आगे चलते हैं, स्पेस रिक्वायर्ड। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि कौन कौन से पक्षी को कितना कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। जैसे चिक्स की मैं बात करूंगा तो चिक्स को स्क्वायर फिट में कितना चाहिए, 1 स्क्वायर फिट चाहिए। अगर मैं घर के अंदर की बात करूंगा तब, और अगर आउटसाइड की बात करूंगा तो 4 स्क्वायर फिट चाहिए एक बच्चे के ऊपर। लेंग है, ले जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं उनको अंदर 1.5 स्क्वायर फिट जगह चाहिए, और जबकि अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो 8 स्क्वायर फुट जगह चाहिए किनको, ऐसी मुर्गियां जो कि अंडे दे रही हैं। लार्ज चिकेन्स जो कि बड़े हैं, हैवी हैं, उनको हम 2 स्क्वायर फुट देते हैं अंदर में, और बाहर के लिए रखते हैं 10 स्क्वायर फुट। वैसे ही डक्स के लिए 3 स्क्वायर फुट है अंदर के लिए, 15 स्क्वायर फुट है बाहर के लिए, राइट। तो इस स्पेस के अकॉर्डिंग ही हम अपने हाउस का मैनेजमेंट करते हैं। यदि हमने यहां पर ओवर क्राउडिंग कर दी तो ओवर क्राउडिंग में क्या होती है, डिजीज आने की संभावना बढ़ जाती है। जिस रेट से ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होती है, और जब ग्रोथ नहीं होगी तो ऐसा पोल्ट्री हाउस या ऐसा पोल्ट्री फार्म हमारे लिए फायदे का नहीं, नुकसान का सौदा होता है, ठीक है। फ्लोर एंड प्रीच स्पेस फॉर चिकन्स, यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि लेयर जो होंगी उनको जो मीटर स्क्वायर है वो 3 मीटर स्क्वायर चाहिए, जबकि 3.6 स्क्वायर फिट चाहिए हमें किसके लिए, बर्ड्स के लिए, और प्रीच स्पेस के लिए क्या चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ये अलग अलग जगह हैं जो हमें अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग एक बार ये समझ लेते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूं हाउसिंग की तो अलग अलग सिस्टम है। कैसा अलग सिस्टम है? एक तो हमारा डीप लिटर सिस्टम है। डीप लिटर सिस्टम क्या होता है कि जब हम सामान्यतया नीचे जमीन पर कुछ बिछावन हम डाल देते हैं, राइस का पुआल वगैरह है उसको, या फिर हम रखते हैं उनको केज सिस्टम में। केज सिस्टम में भी अलग अलग तरह के होते हैं, सिंगल स्टोरी या मल्टी स्टोरी। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पोल्ट्री हाउस क्या है। पोल्ट्री हाउस सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 3 सिस्टम।
फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। सेमी इंटेंसिव सिस्टम और इंटेंसिव सिस्टम, तीन तरह के हमारे पास सिस्टम है। अब डीप लिटर सिस्टम में क्या कह रहे हैं, फॉर बोथ ब्रॉयलर एंड लेयर हाउसिंग टर्निंग ऑफ लिटर वंस वीकली और डीप ऑफ द लिटर्स 8 to 12 inches, यानी जो हम बिछावन डाल रहे हैं उसकी मोटाई कितनी होगी, 8 से 12 inches की होगी, और हमें उनको हफ्ते में भी कम से कम चेंज करना चाहिए। केज सिस्टम में क्या है, फॉर लेयर हाउसिंग ओनली और मोर नंबर ऑफ एग्स पर हैन कैन बी रिसीव्ड। इसमें क्या होता है, केज सिस्टम में जाली नुमा संरचना का हम घर बनाते हैं और इसमें हम पूरा का पूरा स्पेस देते हैं जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है ताजे वाटर की, और जो दाना पानी जिस बर्ड्स को चाहिए उसकी भी अवेलेबिलिटी होती है। तो ऐसे सिस्टम को, ये हाईटेक सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं अंडों का, या फिर अगर हम ब्रॉयलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ब्रॉयलर में अच्छे मीट का उत्पादन ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग इन्होंने क्या किया है, फॉर लेयर्स, लेयर्स के लिए क्या है, अलग अलग एज है, एग टाइप चिकन है तो ये अलग अलग एज दे रखी है, एज 0 से 8, 9 से 18 और मोर देन 18, ये किसके लिए, एग टाइप चिकन के लिए। डीप लिटर कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, जितना एज होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लिटर को रखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम चिकन्स को बिना लिटर के रखेंगे तो उनको पैरों में बड़ी दिक्कत होती है, वो सही से नहीं चल नहीं पाते हैं और उनको बोन संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में हमें लिटर का यूज करना ही करना चाहिए। ये डेटा ब्रॉयलर के लिए दिया गया है। चलिए बात करते हैं पोल्ट्री राशन की। पोल्ट्री राशन में क्या कहा गया, फॉर 100 ग्रोइंग बर्ड्स द राशन इज एस्टिमेटेड इन 9th वीक ओल्ड बर्ड इज 40 kg, राइट, 10th वीक ओल्ड बर्ड्स 43 kg, 11th वीक ओल्ड बर्ड्स टू इंक्रीज 1 kg राशन पर वीक। जैसे जैसे हमारे हफ्ते बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, राशन की मात्रा को भी बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ राशन डिटर्मिनेशन, स्टार्टर राशन होता है, एक ग्रोवर राशन होता है, एक लेयर राशन होता है। जो राशन हमें जरूरत का होगा वैसे ही हम उस राशन को देंगे। जैसे जो स्टार्टर राशन होगा वो किसको देंगे, 1 day old चिक से लेके 8 week तक के लिए, 1 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक के चिक्स के लिए। ग्रोअर राशन किसको देंगे, 8 से 20 सप्ताह वाले चिक्स के लिए। लेयर्स किसके लिए होंगे, लेयर्स मतलब जो 20 सप्ताह से आगे जा रही है चिकन, उसको हम देंगे कौन सा, लेयर राशन, यानी वो अंडे के उत्पादन में उसके कंपनसेशन में जितना हमें लग रहा है एनर्जी, उसको हम उतना राशन देंगे। अब देखिए जो फीडिंग का सिस्टम है वो क्या है, ये टू द पॉइंट आपको पीडीएफ मिल रही है, क्यों, क्योंकि इस पीडीएफ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फीडिंग कौन सा है, एक तो है होल ग्रेन, सीधा ग्रेन देंगे, ग्रेन एंड मैश फीडिंग। तीसरा क्या है, ऑल मैश फीडिंग बेस्ट मेथड फॉर ऑल टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग, यानी हम सबको मिक्स करके देंगे, पैलेट फीडिंग, रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड फीडिंग, ये अलग अलग तरह की फीडिंग है जिनको हम रिकमेंड करते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है क्या, एज ऑफ बर्ड्स, यानी वाटर के कंजम्पशन को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज क्या है, जैसे 0 से 2 सप्ताह के लिए जो वाटर का अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितना है, 4.5 टू 6.5 लीटर। हमें 4.5 से 6.5 लीटर चाहिए पानी, किनको,
जो 0 से लेके 2 सप्ताह के चिक्स हैं, 10 से 15 वीक के जो सप्ताह के हैं, उनको हमें 18 से 22 लीटर पर डे चाहिए, ठीक है। लेइंग हैंग्स के लिए 27 से 36 लीटर पर डे चाहिए। तो इस तरीके से इनके वाटर की जो कंजम्पशन है वो है, रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी डिजीजेस कौन सी हैं। डिजीजेस अलग अलग हैं, देखो इनको कैटेगरी वाइज देखिए। सबसे पहली डिजीज क्या है? सबसे पहली डिजीज है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल डिजीज जो है, बैक्टीरियल डिजीज जो है वो क्या है? फाउल कोलरा, फाउल क्रेजा, पोलरम और ये सेलमोनलेस इन्फेक्टियस ब्रेचेस, रानीखेत डिजीज, न्यू कैसले इसको बोलते हैं, मार्क्स डिजीज, फाउल पैरालिसिस, फाउल पॉक्स। ये 1 मिनट भाई, ये मैंने एक साथ बोल दिया भाई। जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज हैं वो यहां तक हैं। इसके बाद वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल, ये देखिए बैक्टीरियल डिजीज, फाउल कोलरा और फाउल क्रेजा, ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं। वायरल डिजीज में जैसे ये जो हमारी मार्क्स डिजीज है, रानीखेत डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ से हो रही हैं, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक, तो इन सब डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है? ऐसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने पोल्ट्री हाउस को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब हम अपना लॉट डाल रहे हैं, डे ओल्ड चिक हम डाल रहे हैं, उस समय पूरे के पूरे अपने पोल्ट्री हाउस को सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज करना चाहिए, नया लिटर बिछाना चाहिए, जितने भी पुराने हमारे बर्तन हैं पानी के लिए या फीडिंग के लिए, उनको साफ सफाई करके सुखा के फिर से यूज करें। क्योंकि हैन जो है, मुर्गी जो है, बहुत सेंसिटिव है, और बहुत सेंसिटिव होने के वजह से इनमें डिजीज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, और डिजीज स्प्रेड हो जाएगी तो एक दिन में पूरा का पूरा लॉट खत्म हो सकता है। कुछ ऐसी डिजीजेज भी हैं जो कि न्यूट्रेंट की कमी से होती हैं। जैसे न्यूट्रेंट की कमी से होने वाली जो डिजीज हैं, जैसे एक तो हो गया क्रेजी चिक्स, पॉली न्यूट्रेंट्स। इसमें क्या होता है कि जब प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा, जैसे क्रेजी चिक्स की मैं बात करूंगा, तो क्रेजी चिक्स में क्या करेगा? जो चिक होगा वो अपनी गर्दन को घुमा के टेढ़ा करके और राउंड 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 बस घूमता है। उसको पता ही नहीं होता है, ये विटामिन ई के चलते होता है। तो विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो हमारी डिजीजेज हैं, जो अलग अलग विटामिन्स की कमी से हो रही हैं, इन सबको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एग की। एग जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है उन लोगों के लिए जो लोग प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रोटीन की। तो पूरे एग में लगभग 12% जो है प्रोटीन पाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है। वाटर का 65% जो है पानी पाया जाता है, फैट कंटेंट 11%, कार्बोहाइड्रेट 1%, ठीक है। अब ये तो बात हो गई है पूरे अंडे की, और जब मैं बात करता हूं एल्ब्यूमेन, योक और एग सेल की, तो ये अलग अलग डिवीजन। जैसे 87% वाटर होता है वाइट, जो एल्ब्यूमेन है हमारा, और योक में 48%, जबकि एग सेल में 2%। एग सेल में तो वाटर क्या ही होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक आउटर कवर है, तो उसमें तो केवल 2% पाया जाता है। और इस आउटर कवर में बहुत बहुत महीन जो हैं
छिद्र होते हैं, पोर स्पेस होते हैं, और ये स्पेस किस लिए होते हैं, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट, चिक्स का डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा होता है इन अंडों के अंदर, तो उन छोटे छिद्रों से जो हमारे गैस का एक्सचेंज है वो हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो अंडे में इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट के जो महीन छिद्र होते हैं उनमें से पास होके बच्चे तक पहुंचती है। अकॉर्डिंगली ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें आपको देखना होगा कि ये हमारा प्रोटीन का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेडिंग की मैं बात करता हूं तो देखो, ग्रेडिंग ऑफ एग, एक्स्ट्रा लार्ज जो एग होगा वो लगभग जो है 60 ग्राम का रहेगा, जो लार्ज होगा वो 53 से 59 ग्राम का होगा, जो मीडियम होगा वो 45 से 52 ग्राम का होगा, जो स्मॉल होगा वो 38 से 44 ग्राम का होगा। अब एवरेज जो वेट है वो लगभग 55 से 57 ग्राम का रहता है, वो कितना रहेगा, 55 से 57 ग्राम का रहेगा, किसका, अंडे का वेट। और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी किताब में 55 से 58 ग्राम का भी देखने को मिलेगा, एवरेज की बात करूंगा तो 55 से 57 ग्राम आपको मिलेगा। चलिए हैचिंग एंड इंक्यूबेशन की हम बात करते हैं, तो हैचिंग क्या है, हैचिंग एक प्रोसेस है जिसको क्या कर रहे हैं, एक उस प्रोसेस के दौरान, हैचिंग एक प्रोसेस है ब्रेकिंग आउट ऑफ एन एग सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चे को डेवलप करने के लिए, उस उतना कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग। कीप वन मेल फॉर ईच 10 to 12 फीमेल्स। अगर मैं बात करूंगा कि अगर हमें अंडे चाहिए हैं और वो भी ऐसे अंडे जिनसे बच्चे पैदा हो सकें, तो उसके लिए हमें 10 से 12 फीमेल के लिए एक मेल को रखना होगा। शुड बी केप्ट विथ फीमेल्स एटलीस्ट 1 week टू इंश्योर हाई एग फर्टिलिटी। अगर अंडों की फर्टिलिटी को ज्यादा चाहिए तो हमें लगभग उनको एक साथ रखना होगा 1 हफ्ते के लिए, और ये इंश्योर करना होगा कि वो फर्टाइल एग ही प्रोड्यूस कर रही हैं। देखिए टेम्परेचर की मैं बात करता हूं किसके लिए, जब हम क्या कर रहे हैं, इंक्यूबेशन कर रहे हैं इंक्यूबेटर मशीन के थ्रू, तो क्या है, ह्यूमिडिटी हमें चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, हमें उनकी टर्निंग करनी पड़ेगी और वेंटिलेशन। ये जब तक कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होगा, हम अच्छे बच्चों को, यानी जो चिक्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टेम्परेचर 1 से 18 दिन तक के लिए चाहिए, 37.5 से लेके 37.80 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इसके बाद थोड़ा सा हम टेम्परेचर और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, 60% अप टू 18 डेज तक, इसके बाद हम 70% कर देंगे। और टर्निंग हमें क्या करना है, हर 4 घंटे के अंदर उनकी टर्निंग करनी होती है, कब तक, 18 दिनों तक। वेंटिलेशन, चूंकि मैंने बताया आपको कि अंडे के छोटे छोटे छिद्रों से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उनमें चिक्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। इंक्यूबेशन क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो जो इंक्यूबेशन होता है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल का तरीका क्या होता है, जब कोई हैन अपने अंडों के ऊपर, इन्हीं के ऊपर अगर बैठ जाए और अपने फेदर्ड से उनको कवर कर ले, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर अंडों को ट्रांसफर कर रही होती है। ये प्रक्रिया जो है
नेचुरल इंक्यूबेशन का पार्ट है। जब हम आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करते हैं तो उस इंक्यूबेटर मशीन की सहायता से टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे होते हैं। उस जो हमारी मशीन है इंक्यूबेटर में, पहले से हमें सेट करना होता है कि टेम्परेचर कितना रखेंगे और ह्यूमिडिटी कितना रखेंगे, और प्रॉपर वेंटिलेशन हमें रखना होता है। चलिए, तो इंक्यूबेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर 37 लगभग होना चाहिए, वे ह्यूमिडिटी 60-70% और वेंटिलेशन टू प्रोवाइड 21% ऑक्सीजन इन द एयर। ऐसा हमें फ्रेश एयर का रखना पड़ता है कि लगभग 21% हमें मिलती रहे ऑक्सीजन। देखिए कुछ टर्म्स हैं, उनको समझते हैं। वो क्या है? ओविपोजिशन क्या है? एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एग लेइंग इन बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ओपोजिशन का मतलब क्या हुआ? ओविपोजिशन का मतलब एग लेइंग, जब वो जो है एग लेइंग कर रही है। मोल्टिंग क्या है? नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बर्ड टू रिन्यू ओल्ड फेदर्स। ये मतलब नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। डबिंग क्या है? रिमूवल ऑफ कॉम्ब मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू डे ओल्ड चिक्स। यानी जब हम क्या कर रहे हैं, उसके कॉम्ब को जो सिर पे रहता है उसका रिमूवल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबिंग। डीबिकिंग क्या है? डीबिकिंग क्या है? सिंपल टर्म से ही हमें समझ में आता है कि जब हम बीक का रिमूव कर रहे होते हैं, कौन से पार्ट का? सबसे जो नुकीला हिस्सा है वो क्यों करते हैं? ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना कर सके। ब्रूडिंग क्या है? रेयरिंग ऑफ 1 वीक ओल्ड चिक्स। जो हमारे नवजात चिक्स हैं उनको क्या करना है? रेयर करना है। ऐसे को हम ब्रूडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म इधर है ग्रोअर। ग्रोअर को क्या है? ग्रोअर मतलब जो ब्रूडर से थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसको हम ग्रोअर बोलते हैं। लेयर ग्रोअर से भी बड़ा हो गया है यानी वो अब एबल है अंडा देने के लिए। कैनोनाइजेशन क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ द टेस्टिस इन द मेल चिक्स एज द बिलो 8 मंथ एज एंड दोज बर्ड आर नोन एज कैपॉन। यानी हम ऐसे मेल को जिसका हमने क्या किया है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, अब वो किसी भी मुर्गी से फर्टिलाइज्ड एग को प्रोड्यूस नहीं करा पाएगा, इसको कैस्ट्रेटेड मेल बोलते हैं, जिसको क्या कहा गया है? कैपॉन। ठीक है, पोलेट कौन है? अ फीमेल चिकन लेज फर्स्ट टाइम, उसको हम पोलेट बोलते हैं। लोफर क्या है? अनप्रोडक्टिव लेयर, उसको लोफर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है किंडलिंग। किंडलिंग क्या है? किंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, उस अंडे की वायबिलिटी को चेक करते हैं। किसकी वायबिलिटी? उस एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो अंदर मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें इस टेस्ट से पता चलता है। इसमें क्या करते हैं हम, आपको शायद कल भी बताया होगा, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक बल्ब रखते हैं, बल्ब को हम जलाते हैं, यहां से रोशनी आती है और फिर वापस इस बॉक्स में एक छोटा सा होल करते हैं, उस होल से भी रोशनी बाहर आएगी क्योंकि ये अंदर जो है रोशनी कर रहा है। और इसी होल के ऊपर हम क्या रखते हैं, उस अंडे को रख देते हैं ताकि अंदर का मूवमेंट हमें साफ साफ नजर आए। और जब ऐसा होता है तो हमें पता, अंदर के एम्ब्रियो की मूवमेंट पता चलती है, उसकी वायबिलिटी हमें पता चलती है। तो किंडलिंग जो है, हम किंडलिंग की प्रोसेस करने के बाद ही उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर में रखने से हमें पता मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे अंडे जिनमें एम्ब्रियो का मूवमेंट ही नहीं है और उनको हम वापस इंक्यूबेटर में रखे रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई अंडे तो इतने रखे थे लेकिन चिक्स निकले हमारे कम। इसलिए एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए हम
किंडलिंग टेस्ट को करते हैं। कैनाबोलिज्म क्या है? कैनाबोलिज्म कहता है ईटिंग ऑफ ओन स्पीसीज एंड फेदर पिकिंग इन पोल्ट्री। जब बच्चे एक दूसरे को हार्म करते हैं किसके, अपनी चोंच से या उनके जो टोज होते हैं, उनके जो खुर होते हैं उनसे, तो ऐसे में कैनाबोलिज्म प्रोसेस होती है, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कैनाबोलिज्म प्रोसेस को रोकने के लिए ही हम डीबीकिंग करते हैं। डीबीकिंग किस लिए करते हैं? कैनाबोलिज्म की प्रोसेस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये टर्म आता है रेयरिंग। रेयरिंग मतलब उसको क्या करना, रेयरिंग करना मतलब उसको हम ग्रो कर रहे हैं। ब्रॉयलर का मतलब आपको पता ही है कि अंडे के लिए नहीं, मीट के लिए जिसको हम करते हैं प्रोड्यूस। और अंडे के लिए जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको लेयर बोलते हैं। रोस्टर किसको बोलते हैं? रोस्टर जो हमारा मेल पोर्शन होता है, मेल पार्ट होता है पोल्ट्री का, मेल कुक होता है, उसको रोस्टर बोलते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी पोल्ट्री की क्लास जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे एग्रीमेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये जो हमारा नंबर है इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज के लिए ऑफर अवेलेबल मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, जो श्रृंखला होगी फिर आपको बताया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हमारी क्लास का आगे का टॉपिक क्या रहेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।